जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी का अवसर है और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना एवं पूजा की जाती है, जिसमें हम सभी माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे जगत जननी माँ सरस्वती, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, अपनी बुद्धि विवेक से काम करने की शक्ति प्रदान करें और हम अपने जीवन में निरंतर आपको ध्यान करते हुए, आपका सुमिरन करते हुए सदा आगे बढ़ते रहें। सरस्वती माता के जन्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में जानी जाती हैं और एक समय की बात है जब समस्त संसार मूक होकर एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और वहाँ पर नारद जी भी आते हैं और सभी ये देखते हैं कि सभी प्राणी मूक हैं और मूक हो करके वे किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तभी नारद जी के मन में यह प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों नहीं है कि सभी लोग आपस में बात कर सकें और अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकें। तब कमंडल से जल निकाल करके और मंत्र शक्ति से ब्रह्मा जी ने माघ मास की पंचमी तिथि के दिन माता सरस्वती का प्रकाट्य किया और उन्हें अपनी समस्त बुद्धि विद्या ज्ञान के रूप में प्रदत्त की। माता सरस्वती के हाथ में वीणा है जो संगीत और सुरों के लिए जानी जाती है, एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में माला है जो पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और माला उनके ध्यान का प्रतीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि माँ सरस्वती सभी रूपों में हमें ज्ञान बुद्धि विद्या प्रदान करने वाली हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर यह छोटा सा प्रयास अपने विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि आपके विद्यालय का नाम रोशन हो।